अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास टू मैथ्स। आज हम एक्टिविटी मैथ्स का करेंगे, वो है काउंटिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपने काउंटिंग करनी है, किसी भी चीज़ की काउंटिंग करनी है, सबसे पहले तो उसको सही तरीके से रखेंगे, ठीक है। कोई भी इरेगुलर फॉर्म में पड़ा हुआ होगा तो सबसे पहले उसको हमने सही तरीके से करना है, ठीक है, रखना है। देन उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने काउंटिंग जो है हमेशा स्लोली करनी है, ठीक है। आपने ध्यान से करनी है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो रिपीट ना हो। जैसे कि अगर हम काउंटिंग करते हैं 1, 2, then 2, तो ये हमने क्या किया है, ये रेपिटेशन कर दिया। अगर हम जल्दी जल्दी में करेंगे तो ऑब्जेक्ट की जो है वो रिपीट हो जाएंगे। देन आपने क्या करना है कि जो काउंटिंग करनी है वो हमेशा लेफ्ट साइड से करनी है। किस साइड से करनी है? लेफ्ट साइड से। आपने राइट साइड से काउंटिंग नहीं करनी, ठीक है। लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे स्लोली, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 12। अब आपने देखा होगा मैंने लेफ्ट साइड से काउंटिंग की है, लेफ्ट साइड से ऑब्जेक्ट को रखती गई हूँ, और क्या किया है, स्लोली काउंटिंग की है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उस पर वो रिपीट नहीं हुआ। डियर स्टूडेंट्स, आपने भी इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट हैं उनको इसी तरीके से अच्छे तरीके से काउंट करना है, ताकि आपको पता चल सके कितने ऑब्जेक्ट जो हैं वो आपके सामने हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि काउंटिंग हम किस तरीके से करते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं, स्लोली करते हैं, कोई भी जो है ऑब्जेक्ट वो रिपीट नहीं होता, ठीक है। अब आपने भी इसकी प्रैक्टिस घर में करनी है। थैंक यू।